शुएब मंसूर की बोल से फिल्म करियर की शुरुआत करने वाली उमैमा मलिक ने भी बॉलीवुड मेकर्स की तवज्जो समेटते हुए वहां एंट्री देने में देर नहीं लगाई। मगर इमरान हाशमी के साथ राजा नटवरलाल जैसी हीरो ओरिएंटेड फिल्म करने का उमैमा को कोई फायदा नहीं हुआ और इस एक फ्लॉप को क्रेडिट पर लिए उमैमा ने वापस पाकिस्तान आकर देख मगर प्यार से और अर्थ जैसी मजीद फ्लॉप्स दी। इन पे दर पे फ्लॉप्स ने उमैमा का बॉक्स ऑफिस ग्राफ काफी हद तक डाउन तो कर दिया, ताहम काफी इंतजार के बाद आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने उमैमा को फिर से लाइमलाइट में जगह दे दी है। दारू नथनी के वैम्पिश रोल में उमैमा ने अपनी सलाहियतों को मनवा लिया और अब एक बार फिर से उमैमा का मुआवजा फी फिल्म 50 लाख रुपए हो गया है। टीवीसी के लिए वो पिछले काफी अरसे से 40 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रही है।